हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट असाइनमेंट नंबर 5 एंड 6 बोथ। सो हियर इज द असाइनमेंट 5 एंड द ड्यू डेट इज 1 मार्च 2023। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ फेजेस of a pure culture of microbes. The option A is the correct answer. Now, second question, क्या पूछता है? In the above question, in the endogenous phase, there is a little growth in the microbial population due to scarcity of substrate. So, this is the true. And now, question number 3. Arrange the following into typical process flow chart for an SPR. So this is the arrangement 1, 4, 3, 2, 5. First pumping, then aeration, then sedimentation, and then decanting, and last is disinfection. So now question number 4. Sludge bulking can usually be controlled by sequence adjusting F by M ratio, reducing the sludge age, and denitrification. Question number 5. Select the characteristics of biological system with high F by M ratio. जब F by M ratio ज़्यादा होगा तो excess food for microbes ज़्यादा रहेगा और fast microbial growth rate रहेगा, क्योंकि ज़्यादा food रहेगा तो जितनी जल्दी जल्दी grow करेंगे microbes. एफ बाई एम का मतलब ही होता है एफ मीन्स फूड और एम मीन्स माइक्रोब्स. नेक्स्ट, व्हाट आर द पोटेंशियल सीक्वेंस ऑफ स्लज बल्किंग इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो ऑल द ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर बल्किंग ऑफ स्लज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फ्लेमेंटेस बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएशन ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज फॉर न्यूट्रिएंट रिमूवल इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. सो SBR, MBR, एक्सटेंडेड एरेशन एंड RBC. RBC नहीं है. RBC क्या है? RBC है एक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, ठीक है, लाइक टेकिंग फिल्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइट्रोबाइट्स. सो दिस इज द आंसर्स ए सी एंड डी. क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बोथ आर द न्यूमेरिकल्स. आई हैव सॉल्वड इट. सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 फॉर द एफ्लुएंट BOD इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वेस्ट वाटर इज 38.33. दिस इज द एफ्लुएंट BOD ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. ए म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रिसीव ए फ्लो ऑफ 25 mL. एवरेज BOD दिस 235 मिलीग्राम पर लीटर. वॉल्यूम ऑफ द ट्रीटमेंट रिएक्टर इज 5000 लीटर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसंट्रेशन इज 2.5 ग्राम पर लीटर. रिएक्टर इज ऑपरेटेड एट ए हार्ड रिटेंशन टाइम 4-12 आवर्स. ये नोट करने वाली बात है 4-12 आवर्स, क्योंकि हमारा जो फ्लो है 25 mL 25 मिलियन लीटर पर डे है. यहाँ टाइम दे रखा है 12 आवर्स के अकॉर्डिंग. तो मैंने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू 12 आवर, ठीक है. सो एफ बाई एम रेशियो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, वहाँ सारी वैल्यू पुट करनी होती है. सो 12 आवर्स के लिए तो इसकी वैल्यू निकल के आई है, वो है 0.235 मिलीग्राम पर. नहीं, इसका कोई वो नहीं होगा, नो यूनिट. इस रेशियो कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट ऑनली ये रहेगा, ठीक है. और हाँ,
मैंने चैनल पर एक पोल डाला हुआ है कि जिसको भी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस डिटेल में देखने, वो उस पोल में जाके यस या नो पोल में भाग लें, कम से कम पता चले कि पोल किसको चाहिए या किसको नहीं चाहिए, तो वहाँ जाकर क्लिक करें। अभी तक 14-15 लोगों ने क्लिक किया हुआ है वहाँ जाकर ऑप्शन को, जिसमें से 14 पीपल्स ने यस किया है और एक ने नो किया है। तो इतने कम लोगों के लिए तो मुझे लगता कि बनाना चाहिए। अभी और लोग आएंगे, अगर उनको चाहिए सॉल्यूशन तो मैं सोचूंगा कि बनाऊं, ठीक है। वहाँ जाकर अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें, ठीक है। चैनल पर जाइए और कम्युनिटी पेज पर जाकर वहाँ पोल्स में यस या नो पर क्लिक कीजिए, ठीक है। वहाँ से मैं डिसाइड करूँगा कि आगे आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन देना है या नहीं। ज़्यादा लोग रहेंगे तो दे दूँगा, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, क्या करें अब, ठीक है, जैसा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन तो सारे खत्म हो गए। अब असाइनमेंट नंबर 6। सो दिस इज असाइनमेंट 6 एंड ड्यू डेट इज 8 मार्च, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिख ही रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल फॉस्फोरस रिमूवल ओवर केमिकल प्रेसिपिटेशन मेथड। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यूवी डिसइन्फेक्शन इज दैट इट डिसइन्फेक्ट्स बाय डायरेक्टली डैमेजिंग द न्यूक्लियस। सही बात है, डायरेक्ट डैमेज कर देता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग क्लोरामाइंस इन वाटर ट्रीटमेंट्स, टू प्रोवाइड लॉन्गर लास्टिंग रेजिडुअल डिसइन्फेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम या प्रोसेस। तो देखो, अटैच्ड ग्रोथ जो प्रोसेस होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं, एक टिकलिंग फिल्टर और दूसरा आरबीसी। आरबीसी मतलब रोटेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्टर, ठीक है। बाकी सब जो हैं ये MBBR, SBR, MBR और ASP, ये सारे के सारे सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, ठीक है। तो ये अटैच ग्रोथ सिस्टम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन सी एंड डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 10 बोथ आर द न्यूमेरिकल्स। सो द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या आएगा, इसका आंसर है 207.15। 0.15 तो ये आवर में, ठीक है, क्योंकि इसने इनएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट जो के दे रखा है वो 0.03 पर आवर दे रखा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है इसके टाइम की, हाउ टू टेक रिड्यूस द माइक्रोरिज्म कंसंट्रेशन इज इतना, तो इसने जितना टाइम लिया इसको रिड्यूस करने में, ये आवर में 207.18 आवर। ओके, सो अगर आपको डेज में चाहिए तो इसको 24 से डिवाइड कर देना, लेकिन मैंने इसको आवर में ही पुट किया है क्योंकि इन्होंने जो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमको दे रखी है पर आवर में, तो आवर में ही मैंने इसको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें क्या पूछा हुआ है, द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एच ए एट इक्विलिब्रियम। तो इसने पावर का तो ये दिया हुआ है, बस इसके आगे की जो वैल्यू है वो पूछी हुई है। तो वैल्यू कितनी निकल के आई हुई है, मेरी वैल्यू निकल के आई हुई है 6.6। सो दिस इज द आंसर। एंड अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।